तद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत्तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः अपने धर्म को निभाना चाहे उसमें इम्परफेक्शन विगुण ही क्यों ना हो वो श्रेष्ठकर है इन रिस्पेक्ट टू पर धर्म जो हमें जो दूसरे का बताया हुआ काम है हम उसमें अगर हम अनुष्ठित होते हैं उसको करते हैं अपने धर्म को निभाते हुए मर जाना भी श्रेयस्कर है पर धर्म में सफलता पा लेने से जो आपका पर्पस ऑफ लाइफ नहीं है उस प्रोफेशन को करते हुए अगर आप सक्सेसफुल सुपर सक्सेसफुल भी हो जाते हैं दैट इज वर्स बेटर इज अंडरस्टैंडिंग योर धर्मा एंड फॉलोइंग देम उसमें हम मरे भी तो भी वो श्रेष्ठकर है समझाने के लिए कृष्ण कह रहे हैं वैसा होता नहीं अगर हम अपने धर्म को पहचाने उस धर्म को जिए फिर तो आप ऐसा ग्रो करते हैं ऐसा साइन करते हैं आपकी किसी भी प्लानिंग से मच बेटर है वो अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोयम् पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः श्री भगवान उवाच काम एष क्रोध एष रजो गुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विध्येनमिह वैरिणम् Those who are interested to read the Gita, kindly raise your hand. आगे आए और पढ़ने के लिए तैयार हो जाए हम किस तरह से भटकते हैं क्यों भटकते हैं ऐसा सवाल अर्जुन ने किया है तो श्री कृष्ण उसका जवाब दे रहे हैं कि कब हमारे भीतर काम क्रोध इस श्लोक में काम क्रोध की बात है वैसे काम क्रोध के अलावा हम हमारे भीतर जो हमारा लोअर नेचर है उसमें लोभ मोह मद मत्सर भी आ जाता है काम क्रोध डिजायर कामना हमारे भीतर जो डिजायर है और क्रोध एंगर हमारे भीतर कामना का डिजायर का आसक्ति का और क्रोध का एंगर का जो उद्भव है जो उसका जन्म है वो रजोगुण से रजोगुणा समुद्भव रजोगुण से होता है कोई पढ़ना चाहेंगे तो हैंड रेज कीजिए संस्कृत श्लोक को गहरे ध्यान में है तो इट्स ओके दैट्स ऑल्सो फाइन
डिवाइन मॉर्निंग सर. डिवाइन मॉर्निंग सर कैन आई रीड? या प्लीज. थैंक यू. काम एष क्रोध एष रजो गुण समृद्धः महाशनो महापापा मा विद्या नमि वैरिणम. वेरी नाइस. इसमें जो ऊपर का फर्स्ट सेंटेंस है वही महत्वपूर्ण है हमारे लिए प्रैक्टिकली. जो हमारे भीतर कामना है, हमारे भीतर जो क्रोध है, वो कहाँ से उत्पन्न होता है? वो रजोगुण से उत्पन्न होता है. हम जब भी परेशान होते हैं, मेरे भीतर गुस्सा आ गया, उस समय आपको ये श्लोक याद करना है. गुस्सा क्यों आया? क्योंकि हमारे भीतर रजोगुण है. रजोगुण के हम भाव में आ गए, उसके नेचर में हम आ गए. जो सेकंड लाइन है वो उतना खास नहीं है कि वही हमें पाप में ले जाता है. जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ग्रीड अटैचमेंट सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जेलसी काम क्रोध के अलावा बाकी जो जो लोअर नेचर है, जब हम बेबी सोल के रूप में यंग सोल के रूप में जीवन जीते हैं, हमारे जीवन में यही अधिक होता है, कामना क्रोध और बाकी के सड्रिपु, उनको सड्रिपु कहते हैं. तो इनका उद्भव रजोगुण से हो रहा है. इस बात को जानते हुए हम व्यग्र ना हो, परेशान ना हो, अरे मुझे गुस्सा आ गया. नो नेवर. गुस्सा आ गया जब समझ में बात आई, विड्रॉ योर सेल्फ फ्रॉम दैट मोमेंट, फ्रॉम दैट सिचुएशन, फ्रॉम दैट इमोशनल स्टेट. रिमेंबर योर ध्यान में जो अनुभूति होती है, जो शांति की, जो दिव्यता की, उससे रिकनेक्ट करें. मेरा मूल स्वभाव तो वो है जो ध्यान में महसूस करता हूं. समहाउ रजोगुण से क्रोध आ गया या कामना आ गई, कोई पैशन, कोई डिजायर, कामना डिजायर एंड विल, द रीजन ऑफ लिविंग इज डिफरेंट. हम काम शब्द ही यूज करते हैं हर जगह, तो ऐसा लगता है सोशल मीनिंग जो काम है, काम करो, ये कामना, ये डिजायर एंड पैशन वाला कामना है ये. धूमे ना व्रियते वन्हिर यथा दर्शो मले नच यथोल्बे ना वृतो गर्भस्तथा तेने दमावृतम. और कोई पढ़ना चाहेंगे? रेज योर हैंड जो पढ़ सकते हैं. सर मैं पढ़ती हूँ. यस प्लीज. धूमेना व्रियते वन्निर यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेना वृतो गर्भस तथा तेने तेने दमाम वृतम. मीनिंग भी बताएंगे? मीनिंग नहीं है मेरे पास. थोड़ा पता चलता है कि जिस प्रकार से मिरर वो जो हमारा आदर्श है वो मलथे कचरे से आ जाता है इसी प्रकार से. लेकिन सर अभी मेरे पास वो किताब नहीं. इट्स जी आप जो बात समझ रहे हैं मेन तो वही है द एसेंस. जैसे अग्नि धूम से और आदर्श मल से ढक जाता है. क्या ढक जाता है?
अब देखिए किसी को कॉन्टेक्स्ट में हम देखेंगे तो ज्यादा हमें समझ में आएगा। पिछले श्लोक में बात हुई रजोगुण, रजोगुण से कामना और क्रोध की उत्पत्ति हो रही है, उद्भव हो रहा है। तो ये हम रजोगुण में क्यों गए? क्योंकि जो हमारा जो जैसे धुएं से आग ढक जाता है, जैसे धूल से मिरर ढक जाता है, वैसे ही हमारा जो स्वरूप है वो चित्त की वृत्तियों से रजोगुण से ढक जाता है। तो हम अपने मल मीन्स अनवांटेड से हम अपने को आवृत ना होने दें, रजोगुण में ना जाएं, हम निर्गुण में रहें। रजोगुण प्रबल है तो हम एक्शन लेते हैं, इट्स फाइन। हम अपने स्वरूप में रहें, निर्गुण में रहें। निस्त्रय गुण्यो भवार्जुना पिछले चैप्टर में आया था, प्रकृति में तीन गुण है, अर्जुन तुम निर्गुण रहो, निस्त्रय गुण, डोंट गेट टू थिंक कि हम जो देख रहे हैं, जो जान रहे हैं वही सच है। हम हमारा जो चित्त है, हमारे जो संस्कार है वो ढक लेते हैं हमको। तो हमें लगता है कि हम यही हैं, नहीं, जो ढका है, जो रजोगुण आ गया है वो तो टेम्पररी है। जो भीतर ओरिजिनल है, जो मेन है, उसका हम उसके प्रति हम जागे, उसके स्मरण में रहें और उसको समझें। जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत रहता है, दर्पण धूल से, एंड इम्ब्रियो बाय बोम्ब, उसी प्रकार कामना के द्वारा, ये ट्रांसलेशन करने वाले अपने हिसाब से ट्रांसलेशन करते हैं। अब यहां पर तेन है, तेन इदम आवृतम, इदम में इन्होंने कर दिया जगत, ये जगत नहीं है, ये स्वयं है, जो हमारा स्वरूप है हम उसको भूल जाते हैं। स्वयं को ना भूलें, अपने भीतर आत्मज्ञान को प्रकट करें, अपने स्वरूप को देखें और उसमें स्थिर बने। नो थाइसेल्फ, नेक्स्ट श्लोक देखें हम, सलोनी में पढ़िएगा या कोई और? सर पढ़ो मैं? हाँ आप जी जी पढ़िए, आप पढ़िए। नहीं नहीं ठीक है, आप पढ़िए। आवृतम ज्ञानम एतिन ज्ञानिनः नित्य वरिणः काम रूपेण कौन्ते दुष्पुरेण अनलेन च। मेन श्लोक 38 वाला भी आ गया, उसी 38 वाले मीनिंग को ही अलग अलग ढंग से वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। हम सिर्फ इसके शब्दार्थ को देख लेते हैं। हे कौन्ते, इस ना पूर्ण होने वाले अग्नि के सदृश काम रूप से नित्य वैरिना ज्ञानिना, ज्ञानी का विवेक जन आवृत हो जाता है। हमारा जो विवेक जन है, विवेक है, जो समझ है, जो अंडरस्टैंडिंग है, वो कवर ना हो जाए कामना से, डिजायर से। वो वार्निंग की बात इन श्लोक में आ रही है। अवेयरनेस इज नीडेड,
नहीं तो हम को लगने लगता है यही मेरा लाइफ पर्पस है, 10 करोड़ कमा ले तो मेरा लाइफ पर्पस फुलफिल हो जाएगा, मैं सोसाइटी में ये चेंज ले आऊं तो मेरा लाइफ पर्पस फुलफिल हो जाएगा। हमने अलग अलग लाइफ में गोल हम बना लेते हैं जिसकी जीवन में आवश्यकता ही नहीं है। दिस इज वेरी सरप्राइजिंग। आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण दुष्पूरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। अनिता जी या कोई और जो पढ़ना चाहे पढ़िए श्लोक को। नमस्ते। इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठानमुच्यते एतेर्विमोहयतेष्य ज्ञानमावृत देहिनम्। तो बाकी लोग भी पढ़ने की कोशिश करें फिर से, दिस इज इंटरेस्टिंग। इंद्रियाणि मनोबुद्धि इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठानमुच्यते देही, देह में जो रहता है उसको देही कहते, आत्मा के लिए आ रहे कह रहे। देही का जो ज्ञान है आत्मा की, हम हमारी जो हमारा जो विवेक है, हमारा जो ज्ञान है, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, वो आवृत हो जाती है, ढक जाती है मोह से। तो इंद्रियां मन बुद्धि अस्य अधिष्ठानम उच्यते। इंद्रियां मन और बुद्धि यही हमारी जो कामना है वो अधिष्ठान करती है, रहती है। तो हमें जागरण लाना है इंद्रियों के प्रति, मन के प्रति और बुद्धि के प्रति। हमारा ज्ञान मोह से ढके नहीं, आच्छादित ना हो। वो हो जाता है, वो टेंडेंसी की बात बता रहे हैं। इंद्रियां मन बुद्धि हम अपने भीतर जाने जागे, अपने ज्ञान को देही, ये हम यहाँ पे हम स्वयं को रख सकते हैं। हमारा जो ज्ञान है वो ढके नहीं, ढक जाता है, ये टेंडेंसी है अगर हम मोह में हो तो। हमारा ज्ञान ढके नहीं, वो अवेयरनेस, वो अलर्टनेस भी मेंटेन करना है। मेंटेन करें तो फिर हम अपनी विराटता, अपनी अनंतता के एहसास में जीवन जिएंगे। नेक्स्ट श्लोक। जो बोलना चाहे अपने आप को म्यूट कर सकते हैं या हैंड रेज कीजिए, आपको प्रॉम्प्ट करेंगे म्यूट करने के लिए। तस्मात् त्वम् इन्द्रियाणि आदु भरत कृषभ पापमानं प्रजहि एनम् ज्ञान विज्ञान नाशनम्। तस्मात् त्वम् इन्द्रियाणि आद्यो नियम्य भरतर्षव पापात्मानं प्रजाहिहे ज्ञान विज्ञान नाशनम्। मीनिंग भी बता दीजिए अनिता जी। हाँ,
ज्ञान विज्ञान जो ज्ञानी का जो ज्ञान है, जो विज्ञान है, उसका नाश की बात हो रही है। कब नाश हमें तस्मात इसलिए त्वम तुम इंद्रियानी इंद्रियों को आदो आदि आदिकाल भूतकाल आदो इन द बिगनिंग इटसेल्फ नियम संयत नियम नियमित संयमित भरत दर्शभा भरत अर्जुन का संबोधित करते हुए इन द बिगनिंग इटसेल्फ कल्चर योर इंद्रिया द मोर वी गेट इन्वॉल्व इन एनी रजोगुण एक्टिविटी ऑफ काम एंड क्रोध गुस्सा जितना आगे बढ़ जाए उसको संभालना उतना मुश्किल होता है। जितना हम कहीं किसी कामना में इंगेज हो जाएं, मुझे ये करना है मुझे वो करना है मुझे बड़ा घर खरीदना है लोन ले लिया, अब उस लोन को जब तक नहीं चुकाएंगे उसको ईएमआई नहीं पे करेंगे तब तक तो वो लायबिलिटी रहेगी ही आपको। तो जिस चीज में आप आगे आप बढ़ गए तो फिर उसको आपको बैलेंस करते हुए उन कर्मों को बैलेंस करते हुए आपको एक टाइम तो लगेगा। इसलिए आदो आदि काल शुरुआत में ही संयमित हो जाओ, ये बात अर्जुन को सिखा रहे हैं, अर्जुन के माध्यम से हम सभी को सिखा रहे हैं। एज अर्ली एज पॉसिबल ट्राई टू कल्चर योर कामना योर क्रोध योर लोभ योर मोह योर मत्सर डिजायर ग्रीड एंगर अटैचमेंट इनको एज अर्ली एज पॉसिबल ही हम कल्चर कर ले। नेक्स्ट श्लोक इज वेरी ब्यूटिफुल 342। मैं कुछ बोल सकती हूँ? जी अनिता जी बोलिए ना। इसका पहले श्लोक में भगवान ने श्री कृष्ण ने कहे कि जैसे बादल छाया जाता है सूरज को थोड़ा ढक देता है ठीक उसी तरह से, एंड धूल मिरर के ऊपर लगे तो वो मिरर दिखता नहीं है, इस ठीक इसी तरह ये जो माया शक्ति जो रजस गुण या जो लस्ट वगैरह ये सब चीजें हमारे मन को और इंद्रियों को भी ढक देते हैं। सो बाय नॉलेज एंड सेल्फ प्रैक्टिस हम धीरे धीरे वो धूल को अपनी मन से हटाए एंड सेंसेस का जो लस्ट ग्रीड ये सब चीजें धूल की तरह होता है तो हमारे मन से ये सब चीजें निकल जाएगा। सो व्हेन वी डू सद्धाया प्राणायाम एंड मेडिटेशन एवरीडे एंड वी बिकम फ्री फ्रॉम द क्लचेस ऑफ माया जो कि रजोगुण प्राधान्य होता है और ये सब चीजें हमारे मन से धीरे धीरे हट जाएगा एंड द माइंड विल बी मोर ओपन टू गेटिंग द ट्रू नॉलेज। कारण मनुष्य जो है वो सत्य स्वरूप ही है बट हम ये सब चीजें से ढके रहे हैं तो इसीलिए बहुत ज्यादा हम आसक्त हो जाते हैं मेटेरियल चीजें से ताकि हम अपना जो मेन एम है उसमें से हम डाइवर्ज हो जाते हैं मतलब हम उसमें से दूर हट जाते हैं। तो जितना जितना श्रद्धा है प्राणायाम मेडिटेशन करें एंड रीड भगवत गीता तो उतना ही हम अपनी मतलब सेंटर्ड होके रहे तो ये माया जल्दी से नहीं पकड़ पाएगा। जी ठीक है। नेक्स्ट श्लोक पढ़िए कुसुम जी 342। इंद्रियाणि पराणि अहो इंद्रेभ्यः परं मने मनसे तु परा बुद्धि या बुद्धे परते तु सा। ये श्लोक हमें अपने जीवन में बैठा लेना है। इंद्रियों से परे मन है और मन से परे बुद्धि। इंद्रियानि पराणि
मनम मनह, और मन से परे बुद्धि। इस बुद्धि को से परे यहां पर सह यूज हुआ है, वो बुद्धि से परे वो है जो ढक जाता है रजोगुण से, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, पीछे के श्लोक से आ रहा है, इसलिए यहां पर देही वर्ड नहीं यूज हुआ, आत्मा वर्ड यूज नहीं हुआ, सिर्फ सह कह के बात बोल रहे हैं कि बुद्धि से परे वो है, हमें समझना है वो आत्मा के बारे में बात हो रही है। तो इंद्रियां हमारे शरीर को प्रभावित करती हैं, इंद्रियों को प्रभावित मन करता है, मन को रेगुलेट बुद्धि करती है, विवेक, जीवन में हम क्या करें, क्या करना चाहिए, ध्यान में जाएं या योगा करें, आसन करें, वॉकिंग करें, ये समझ बुद्धि और विवेक है। तो हमारे मन को, हमारे थिंकिंग को, हमारे थॉट पैटर्न को, हमारे बिलीफ सिस्टम को, हमारा विवेक, हमारा रैशनल इंटेलेक्ट रेगुलेट करता है, और इस बुद्धि से परे जो है वो तो आत्मा है। तो जो हम बोलते हैं मन, बुद्धि, आत्मा, वो बात इस श्लोक में आ रही है। तो शरीर और मन के बीच में इंद्रियां की बात यहां पर है। इंद्रियों में पंच ज्ञानेंद्रियां हैं, पंच कर्मेंद्रियां हैं। अपने इंद्रियों के प्रति अवेयर रहें, कब हमारे भीतर इंद्रियां किन अर्थों में, किन विषय में जाती है। कोई देखने की चीज दिखी तो देखना चाहते हैं, कोई मूवी का एड आया तो हम मूवी देखना चाहते हैं, कोई सॉन्ग का एड दिखा तो हम सॉन्ग सुनना चाहते हैं। इंद्रियां किन अर्थों में जाती हैं वो अलर्ट रहे, अपने मन से, वो इंद्रियों का रेगुलेशन होता है, मन से इंद्रियों को रेगुलेट करें, नहीं मुझे ये करना चाहिए, हमारा पैटर्न, और मन को हमारा विवेक करता है, हम अपने सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न को भी अपने विवेक से चेंज कर सकते हैं, और ये विवेक आत्मा से आती है। जितना हमको आत्मा का अनुभव हो, शून्यता और दिव्यता का बोध हो, हमारे भीतर विवेक उतना रिफाइंड हो जाएगा। बुद्धि को बढ़ाना चाहते हैं तो अपनी आत्मा के अनुभव पर प्रयास करें, ज्ञान का विकास स्वयं के अनुभव से होता है, इस बात को हम समझें। बुद्धे परे पर तस्तु सह, बुद्धे पर तस्तु सह, बुद्धि से परे वो है, वो आत्मा। हम रिलेटिव इंपॉर्टेंस को समझ सकते हैं यहां पर। कभी कहीं पर स्ट्रगल हो रहा है, इंद्रियों की बात है तो मन पर जाएं, मन की बात है तो बुद्धि पर जाएं, और बुद्धि की बात है तो स्वयं आत्मा पर आए। तो ऐसा अगर हम अवेयरनेस रखते हैं तो रेगुलेशन कल्चर इज इजी। नाउ 343, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा, आपके पास भगवद गीता है, नहीं है, पढ़िए। तस्मात्त्वं इन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहिह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनं। इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः, मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु सः एवं। सॉरी अनिता जी, आप पढ़िए, अगर आपके पास भगवत गीता नहीं है तो आप। एवं, नहीं मेरे हाथ में है। अच्छा, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तव्य, सॉरी,
संस्तभ्यात्मा नमात्मनः जहि जहि शत्रु महाबाहो कामरूपं दुरासदम् एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मा नमात्मना जहि शत्रु महाबाहो कामरूपं दुरासदम् जिनके पास शिवानंद गीता है, शिवानंद गीता में इसका अच्छा शब्दार्थ और अनुवाद और व्याख्या दिया हुआ है, उसको देखेंगे। पहले हम यहाँ पर श्लोक के संधि विग्रह को देखते हैं। संस्कृत में लंबा वर्ड होता है तो इस हमको उच्चारण में भी दिक्कत होती है और समझने में भी अक्सर ध्यान रखना होता है। इसका संधि विग्रह है, एवं बुद्धे परम बुद्धा संस्तभ्य आत्मानम आत्मना, आत्मानम आत्मना संस्तभ्य, स्वयं से स्वयं का रेगुलेशन। एवं बुद्धे परम बुद्धा, जो पहले के श्लोक में भी बात हमने समझ में आई कि बुद्धि से ऊपर तो वो आत्मा है, सह वो है, तो उस बात को अगर तुम जान गए हो तो स्वयं से खुद से आत्मा को रेगुलेट करो। कल्चर ऑफ सेल्फ बाय एफर्ट ऑफ सेल्फ, इसमें जो व्याख्या है श्रीमान गीता जिनके पास है वो पढ़िएगा, फर्स्ट लाइन वेरी इंटरेस्टिंग। कोई पढ़िए जिनके पास है श्रीमान गीता, नहीं तो मैं तो पढ़ूंगा ही, जैसा आप इन्वॉल्व होते हैं तो आपको ज्यादा याद रहेगा। एवं विद हे अर्जुन, उसे जानकर जो बुद्धि से भी श्रेष्ठ है और आत्मा से आत्मा को संयत करके, हे महाभाव तुम दुर्जय काम रूपी शत्रु को जीत लो। इसके बाद व्याख्या फर्स्ट लाइन, निम्न आत्मा को उच्च आत्मा से वश में करो। बस बस रुक जाइए रुक जाइए, निम्न उसके बाद की लाइन भी ठीक है, निम्न मन को उच्च मन से जीत लो। अब यहां पर जिनके पास अभी वो शिवानंद गीता का नहीं है पीडीएफ तो उसको स्क्रीन पे नहीं लगाया जा सकता, जिनके पास शिवानंद गीता है सिर्फ वही पढ़ पाएंगे और समझ सुनिए। निम्न आत्मा को उच्च आत्मा से वश में करो, अब यहां पर दो आत्मा कहां से आ गई तो हमें समझने की जरूरत है। जो यहां पर बात आ रही है संस्तभ्य आत्मानम आत्मना, कंटिन्यूस संस्तभ्य आत्मानम आत्मना, तो आत्मा से आत्मा का रेगुलेशन वो कैसे होगा बताइए, थोड़ा कोई प्रकाश डालेंगे क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कृष्ण, क्या कहना चाह रहे हैं शिवानंद, क्या मन को स्थिर करके। तो ये तो फिर मन तो मन बोलना चाहिए था ना, मन को स्थिर, मन को आत्मा से वश में करो ऐसा बोलना चाहिए था, ऐसा क्यों बोला आत्मना आत्मानम आत्मना संस्तभ्य आत्मानम आत्मना। एक छोटी बुद्धि होती है एक बड़ी बुद्धि होती है, एक अच्छा। हम सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, एक पूरा यूनिवर्स के हिसाब से सोचते हैं, अच्छा लार्जर एस्पेक्ट से। ये छोटी बुद्धि और ये बड़ी बुद्धि कहाँ से आई तो बताइए और बताइए। नहीं जैसे सेल्फ सेंटर्ड होते हैं ना, एक लिमिटेड हम देखते हैं किसी भी चीज को, तो एक पूरे यूनिवर्स के हिसाब से देखते हैं। एग्जांपल सर मैं बताऊं? हाँ हाँ कांता जी जरूर जरूर, नमस्कार। नमस्कार सर, मेरे हिसाब से हमारा जो हायर सेल्फ है जो उच्च स्वरूप है